हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज वीक की खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। आज यूं तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया, लेकिन यूपी में चुनावी क्रांति हुई। कई ऐसी खबरें आई जिसने यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। क्या है आज दिन भर का पॉलिटिकल अपडेट, तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बड़ा कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ और उसमें स्वामी ने अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछाल कर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से इसका इलाज उतारने की कोशिश की गई। इसका इलाज यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। सरकार बनावाएं दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में वो योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएंगे और बीजेपी को उसी दौर में ले आएंगे जब वो सत्ता से दूर थे। दूसरी खबर है कि सपा का कुनबा और भी मजबूत हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा बीजेपी के कई मंत्री और विधायक भी सपा में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा आज डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो कि आयुष मंत्री थे योगी कैबिनेट में, उनके अलावा भगवती सागर जो कि बिलोर से विधायक हैं बीजेपी के, विनय शाक्य जो विधुना से बीजेपी के विधायक हैं और रोशन लाल वर्मा जो कि तलहर विधानसभा शाहजहांपुर जिले में ये विधानसभा है वहां से बीजेपी के विधायक हैं, डॉक्टर मुकेश वर्मा भी बीजेपी के विधायक हैं, वो शिकोहाबाद से विधायक हैं, ब्रजेश कुमार प्रजापति ये तिंदवारी से बीजेपी के विधायक हैं और चौधरी अमर सिंह विधायक हैं शोरतगढ़ से जो कि अपना दल से हैं, इन्होंने भी आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इन सभी लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और लखनऊ में एक तरह का पूरी शक्ति प्रदर्शन की झलक देखने को मिली, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकती है क्योंकि बीजेपी के जबरदस्त तरीके से जो भगदड़ बीजेपी में मची है वहां से लगातार नेता विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी या फिर अन्य किसी दल के पास जा रहे हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए आज जो ये तस्वीर लखनऊ के सपा कार्यालय से आई है, बिल्कुल ये योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए नींद आने वाली तस्वीरें साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर है कि अखिलेश यादव ने आज जब इन लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया तो बीजेपी के तमाम बागियों को शामिल करने के बाद सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर, यानी दलित और पिछड़े मिलकर, हो सकता है यूपी में 403 विधानसभा में से 400 सीटें जीत ले। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। और जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर, हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते
अब तो उनसे कैच छूट गया। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। और जरूरी है इन्हें वापस भेजना, इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग, क्या चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। यानी अखिलेश यादव का जोश अब हाई है, उनको लगता है कि बीजेपी के जो बागी विधायक मंत्री, खासकर पिछड़े समाज के जो लोग अभी उनके साथ आ गए हैं, इससे यूपी की जो सियासी मिजाज है वो बदल जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो बीजेपी है वो यूपी में राम मंदिर, हिंदू मुसलमान यानी धर्म के नाम पर अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब जो चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया था, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जा रहा था, अब वहां पर कहें कि अखिलेश यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा यानी मंडल कमंडल का जो दौर में जो बात सामने आई थी उस तरह के सियासी समीकरण बना दिए हैं, बीजेपी के ही खेमे के पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को अपने साथ मिला लिया है और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चौथी खबर यह है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच आज गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ। आज लखनऊ एसपी कार्यालय में बीजेपी, बसपा, अपना दल और कांग्रेस के कई नेता और विधायक अखिलेश के साथ मंच पर नजर आए। एक तरह का महागठबंधन वहां पर नजर आया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां नहीं दिखे। अखिलेश और चंद्रशेखर में गठबंधन का ऐलान आज नहीं हो पाया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद आज सपा कार्यालय पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि बंद कमरे में अखिलेश और चंद्रशेखर की बात भी हुई, लेकिन लगता है कि सीटों पर फंसा पेच जो है वो खुल नहीं पाया और गठबंधन पर कोई मुहर नहीं लग पाई। इसका संकेत चंद्रशेखर आजाद के एक ट्वीट से भी मिलता है। आजाद ने ट्विटर पर लिखा, एकता में बड़ा दम है, मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। आज यूपी में दलित वर्ग अखिलेश यादव जी से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। यानी चंद्रशेखर आजाद ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि जो अखिलेश यादव हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस महागठबंधन में दलित राजनीति करने वाले नेताओं को भी शामिल करें, और इस समय यूपी में दलित राजनीति करने के चेहरे के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की अपनी पार्टी बीएसपी है जो अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो दलित राजनीति के नाम पर उनको इस गठबंधन पर शामिल करने की तरफ बार बार खबरें उठती हैं, ये कहना है चंद्रशेखर आजाद का कि अगर आप ये गठबंधन बनाते हैं तो इसमें दलित के भागीदारी भी होनी चाहिए और हम उनके प्रतिनिधि हैं तो हमें भी इस गठबंधन में जिम्मेदारी और सम्मान दिया जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो जो सीट है उसके बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। कई बार अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच में बैठक हो चुकी है, उनकी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन नंबर सीटों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस पर लेकर सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि भाई आप आ जाइए, बिना शर्त आ जाइए और आपको हम जो है उचित सम्मान देंगे। और एक सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि अखिलेश यादव 5 सीट जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद को देने पर रजामंद हैं, लेकिन शायद अखिलेश से ज़्यादा चाहत रखते हैं चंद्रशेखर आजाद, वो ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। क्या कुछ इनके बीच में
की स्थान है उस पर ऑफिशियल अभी कोई बयानबाजी नहीं हुई है। ये सब खबर जो है मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से ही आई है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट ने ये तो साफ कर दिया कि अभी भी जो सीट पर पेच फंसा हुआ है, जो मामला रुका हुआ है, वो अभी उसका कोई हल नहीं निकला है और गठबंधन अभी तक तो कम से कम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑफिशियल गठबंधन हो जाए और इस गठबंधन का ऐलान भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, पांचवी खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर में जाकर भोजन किया। लखनऊ में जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के बागी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में एक दलित कार्यकर्ता के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खाना खाया। अमृतलाल भारती भाजपा के वहां पर महानगर मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उनके घर जाकर योगी ने खाना खाया और योगी ने इसके बाद कहा कि उनकी सरकार जो है सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। योगी ने इस बारे में ट्वीट किया, सामाजिक समरसता का ध्येय लिए सतत बढ़ते जाना है। गोरखपुर स्थित झुंगिया में आज श्री अमृतलाल भारती जी के घर पर खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री भारती जी का आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ ने दलित कार्ड खेल दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए अब यूपी का चुनाव बहुत मुश्किल हो गया है। जिन पिछड़े नेताओं के भरोसे योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव जीतने की फिराक में थे, उन्हें लग रहा था कि चुनाव में बात बन जाएगी, पिछड़े समाज के लोग उन्हें वोट करेंगे, उनके बागी हो जाने के कारण जो उनके पिछड़े समाज के नेता थे वो बागी हो गए, उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ अब दलित कार्ड खेल रहे हैं कि पिछड़े तो चले गए हैं, अब दलित वोटों को लुभाकर जो खासकर गैर जाटव जातियां हैं दलित समाज से आने वाली यूपी की, क्योंकि जाटव समाज को ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है मायावती का, तो अब उनकी जो नजर है वो है गैर जाटव दलित जातियों पर कि उनको लुभाया जाए और उन्हें बीजेपी के खेमे में लाया जाए और फिर किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके या हिंदुत्व के नाम पर और इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल काम हो गया है योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि भाई आप योगी जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने दलितों का आरक्षण खा लिया, आपने उनके सारे अधिकार खा लिए, आपने जो उनकी नौकरियाँ थी वो खा ली, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका जो भी उनका नंबर, उनको सीटें दी जानी चाहिए थी, नौकरी दी जानी चाहिए थी, वो खा ली, अब उसके बाद जो दलितों के घर में अनाज बचा हुआ है क्या वो भी खा जाना चाहते हैं? ये सवाल उठता है कि ये इस तरह की नौटंकी क्यों की जाती है बार बार दलितों के घर में जाकर, खासकर चुनावी माहौल में वहां जाकर ये दिखाने की कि देखिए हम तो जो है दलितों के घर खाना खाते हैं। आप बताइए, किसी दलित के साथ खाना खाने से क्या आपके एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान होने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है? ये सवाल खड़ा होता है। इस तरह की नौटंकी जो है वो खासकर चुनाव में देखने को मिलती है और बीजेपी लगातार इस तरह की नौटंकी करती रहती है कि देखिए हम दलित हितैषी हैं, दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, आपको दलितों के घर जाकर उनकी पीड़ा देखनी चाहिए, आपको हाथरस में जाकर उस पीड़िता की बच्ची की घर वालों से उनकी पीड़ा सुननी चाहिए थी, उनसे मिलना चाहिए था, आपको जाकर देखना चाहिए था कि किस तरह से आधी रात में हाथरस में उस बच्ची को जला दिया था आपकी पुलिस ने, कितनी बर्बरता उसके साथ हुई थी, आपको नाव रेप पीड़िता से जाकर मिलना चाहिए था, आपको दलितों की पिछड़ों की अगर इतनी फिक्र है तो उनके घर जाकर देखिए कितनी पीड़ा में वो लोग जी रहे हैं, आपके राज में कितने उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, उस पर जाकर बात कीजिए, ना कि इस तरह की नौटंकी कीजिए। अगली खबर में बढ़ते हैं, छठी खबर योगी आदित्यनाथ से ही जुड़ी है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने पहले दो चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है और पार्टी जल्द ही अपनी सूची जारी कर सकती है। खासकर यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और यूपी में जिस तरह का भी माहौल बन गया है तो फिर से योगी आदित्यनाथ बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाना चाहती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हो सकता है जल्दी इसका ऐलान हो जाए, हालांकि अभी पार्टी ने इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा जो सीएम योगी आदित्यनाथ को दो सीटों से चुनाव लड़ा सकती है, दूसरी सीट भी कोई ऐसी ही हो सकती है। ये भी खबर आ रही है कि वो किसी मुस्लिम बाहुल सीट पर नामांकन दायर कर सकते हैं और एक अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तो जो हिंदू बनाम मुस्लिम की पूरी राजनीति ध्रुवीकरण का जो माहौल है उसको भुनाने की, उसको बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से हो सकती है। क्या इस पर ऐलान होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर पर बढ़ते हैं,
सातवीं खबर है कि बीएसपी नेता अरशद राणा ने पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से बीएसपी नेता अरशद राणा ने बीएसपी के नेताओं पर टिकट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। आज बीएसपी नेता अरशद राणा मुजफ्फरनगर कोतवाली पहुंचे और थानेदार के सामने फूट फूट कर रोने लगे। जब थानेदार ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि टिकट के लिए बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता को 2 साल पहले 67 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उनके रुपए भी वापस नहीं किए गए। अरशद राणा ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगे। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मेरे को कभी इस तरह सोचा भी था। आप परेशान मत होइए, मुझे मोटिया अंदर बिठा के कहते हैं कि इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, पसंद होगी, ठीक है, ठीक है, फैसला होगा बताइए। बीएसपी के बारे में अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, इसलिए बीएसपी के शीर्ष नेताओं को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आठवीं खबर है कि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। रामवीर उपाध्याय सपा में जा सकते हैं, उनकी ये खबर है कि वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं। रामवीर यूपी के सादाबाद से विधायक हैं, बसपा सरकार में वो ऊर्जा मंत्री रह चुके थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने रामवीर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। ये 2019 के लोकसभा की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी सीट पर बसपा ने रामवीर की पत्नी सीमा उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सीमा उस समय बागी हो गई थी और उन्होंने सीट छोड़ दी थी, चुनाव नहीं लड़ा था। और सीमा ने मन से बाकायदा बीजेपी के उम्मीदवार को जीतने का ऐलान कर दिया था कि उनको जिताएंगे, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको निलंबित कर दिया था पार्टी से। हालांकि पति पत्नी बसपा में बने हुए थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और जो अभी रामवीर उपाध्याय हैं उन्होंने सपा में जाने की उनकी अटकलें हैं, वो जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो बसपा है उसके तमाम जो विधायक, चुने हुए विधायक जो 19 विधायक थे, उनमें से ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी उन्हें निष्कासित कर चुके, उन्हें पार्टी से निकाल चुकी है। 3 विधायक बचे थे, उनमें से भी एक चला गया। तो अब बीएसपी के पास एमएलए सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सारे विधायक जो है उनके वो अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। तो ये चुनाव से पहले बीएसपी के लिए एक चिंता की बात है। 9वीं खबर यह है कि गंगोह सीट से बीएसपी के उम्मीदवार नोमान मसूद ने जीत का दावा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि गंगोह सीट पर उनकी जीत पक्की है। विधानसभा गंगोह के अंदर आप समीकरण आपके सामने है, 60,000 वोट हमारे दलित भाइयों का है काउंटेड, 1,25,000 वोट हमारे मुस्लिम साथियों का है और 10,000 वोट हम अपने हिंदू भाइयों का हर सूरत के अंदर लेकर जाते हैं। बहुत मजबूत समीकरण है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग गंगोह विधानसभा से चुनाव जीत कर जाएंगे और इन मुखालिफों का मुंह काला करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने की अगर कोई क्षमता रखता है तो आपका ये गंगोह का परिवार, काजी नौमान मसूद आपका भाई रखता है। ये वक्त है, वक्त की नजाकत को देखिए और एक तरफा वोट गंगोह विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी पर डालने का काम करें, हाथी के निशान पर डालने का काम करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सुमन इंशाल्लाह कि इस बार आपका वोट 1,00,000 वोट से पार होगा, 1,00,000 वोट से ऊपर आप लोग लेकर जाएंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नोमान बुधवार देर रात ही बसपा में शामिल हुए थे। बुधवार देर रात मायावती से उनकी मुलाकात हुई, उनकी तस्वीरें सामने आई और उसके बाद उन्हें उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गंगोह विधानसभा सीट से। मैं आपको बता दूं कि नोमान मसूद को आरएलडी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ था गंगोह विधानसभा सीट से, लेकिन उन्होंने आरएलडी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया, यानी हैंडपंप को छोड़ दिया और वो हाथी पर सवार हो गए और अब हाथी के निशान पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वहां के जो सियासी समीकरण है उनके हिसाब से वो एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और इसका उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। 10वीं खबर की तरफ रुख करते हैं। 10वीं खबर ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने आज कहा कि सरकार बनते ही जातिवाद जनगणना पर काम करेंगे।
ओम प्रकाश राजभर ने आज एक ट्वीट किया और ये ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है जिसमें अखिलेश यादव के साथ वो सहयोगी हैं, तो फिर जातिवार जनगणना पर काम किया जाएगा। इस समय जातिवार जनगणना भी एक बड़ा मसला है, खासकर पिछड़े समाज के लिए। ओबीसी की गिनती हो, उनकी जातिवार जनगणना हो, ये पता चल सके कि ओबीसी की कितनी आबादी है, उनका कितना प्रतिनिधित्व है और कौन सवर्णों की सबसे ज्यादा जो आबादी है उनमें सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है। जातिवार आंकड़े जारी हो सके, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सके, तो इसके लिए जातिवार जनगणना को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी के साथ वादा खिलाफी की है। बीजेपी ने पहले कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया, वो कह दिया उन्होंने कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। तो जातिवार जनगणना भी एक चुनावी मसला है और ओपी राजभर ने कह दिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जातिवार जनगणना जरूर कराएंगे। तो ये थी आज की यूपी की दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स। किस नेता ने किस पार्टी का दामन थामा, क्या दाव चले और किसने उसको मात दी, आज दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट मैंने आपको बताई। इसी तरह की तमाम पॉलिटिकल खबरें जानने के लिए, विश्लेषण जानने के लिए और सियासी मायने समझने के लिए द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। हम यूपी चुनाव पर खास चुनावी कवरेज कर रहे हैं। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं।